हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से मैंने जैसा प्रॉमिस किया था पिछले दिन आपको कि 10 बजे आपको एक वीडियो मिल जाएगी, तो फाइनली आपको एक वीडियो मिल चुकी है। और इससे पहले मैंने पिछले दिन भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कस्तूरबा शिक्षक भर्ती वाले प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट में इस वीडियो को अपलोड कर दी, अपडेट कर दिया और पिछले वाले को भी अपडेट कर दिया है, तो वहां से जाकर आप चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ सकते हो, देख सकते हो। बाय द वे, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। और अप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरें, अगर कोई डाउट होता हो तो पूछ लेना है। बाय द वे, अगर आपको अप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके आपको बस KGB भी लिख देना है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शॉर्ट में, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसकी जानकारी चाहिए होगी। 16/9/2023 आखिरी डेट रखी गई है। तो चलिए सीधे चलते हैं ऑफिशियल PDF की ओर, जो PDF में बातें लिखी गई है और कौन कौन सी पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आई है उसकी जानकारी आपको देते हैं। यहां से आप देख सकते हो कौन कौन से पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई है। पहला पोस्ट देखो, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा के लिए, भाषा में हिंदी इंग्लिश आ जाएगा। दो वैकेंसी है और दोनों ही पोस्ट, एक एक पोस्ट SC और एक पोस्ट ST के लिए रिजर्व रखी गई है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित के लिए 4 पोस्ट है, एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है, 2 पोस्ट SC कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट ST कैटेगरी के लिए है। 4 पोस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। इसी तरह से आगे बढ़े, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए 7 पोस्ट आई, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ मिलेगी। 3 पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए, एक पोस्ट BC1 यानी कि OBC कैटेगरी के लिए, 2 SC के लिए और एक जो है ST वर्ग के लिए रखी गई है, यानी कि टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कितनी, 7। आगे देख लेते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका फिजिकल एजुकेशन टीचर की यानी कि शारीरिक शिक्षा की एक ही वैकेंसी है और ये जो सीट है वो BC2 के लिए रिजर्व रख दी गई है। तो कुल जमा बात है 14 रिक्रूटमेंट आपको यहां से देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं वन बाय वन, और भी कोई पोस्ट आई है क्या 9 to 12 के लिए, नहीं, ये गड़बड़ हो गई है। 9 to 12 के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 के लिए वैकेंसी है। तो खैर आगे देख लेते हैं, कुछ और जानकारी के साथ आपको मैं जानकारी दे देता हूं। देखिए, 15,840 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। 3 साल के बाद 50% की जो है आपकी बढ़ोतरी हो जाती है, याद रखिएगा। 3 साल कंटिन्यूअस प्रोसेस में आपको जो यहां पे काम करना है और अच्छे रिजल्ट को डिलीवर भी करना है। चाहिए क्या वैकेंसी के लिए, तो देखिए यहाँ पे एक पेज है, बिल्कुल मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूँ वो पेज क्या है। यहाँ से देखो, ये इन्होंने गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे 6 to 8 के लिए जो है टैट पास यानी कि झारखंड टैट, सीधी बात है, जे टैट जिन्होंने किया है वही लोग एलिजिबल होंगे। और जे टैट 2016 में आखिरी बार लिया गया है। अब आप ही विचार करो कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, जे टैट 2016 के बाद लिया नहीं गया है, अब नए विद्यार्थी इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, तो किसकी गलतियाँ हैं। खैर, आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिन्होंने जेटेट 16 का पेपर दिया है वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा, यहाँ से इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और अप्लाई कर देना है। अब देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट आई है 10 आवासीय विद्यालय के लिए रिक्रूटमेंट आई है, आप बोलोगे आई कहाँ से है, तो मैं बताऊँगा, थोड़ा सब्र रखिए। ये जो है यहाँ से, वेट, ये देख लो, चतरा से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। और अप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको यहाँ पे भेजना है उसकी भी जानकारी मैं बता देता हूँ। 16/9 को शाम 5 बजे से पहले आपका अप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। साधारण डाक से नहीं भेजना है, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, इस बात का खास ख्याल आप रखेंगे। अब बोलोगे एड्रेस क्या रहेगा, तो एड्रेस देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा अभियान चतरा प्रखंड परिसर चतरा से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। बाय द वे, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं उसे मेंशन करना ना भूलिएगा, प्लीज डू कमेंट योर प्लेस। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।